आम आदमी पार्टी ना उम्मीदवार द्वारका तालुका में पंचायत की सीट में પોતાનો ફોર્મ ભરતા તાલુકામાં રાષ્ટ્રીય द्वारका तालुका पंचायत की चूंटणी में प्रथम वखत त्रिपक्षीय जंग खेलाशे कारण के भाजप कोंग्रेस साथे आम आदमी पार्टी ना उम्मीदवारे चूंटणी में झंपलावता भारे राजकीय गरमाओ આવ્યો છે। द्वारका जिला में पंचायत में 11, खंभाळा तालुका में 7, कल्याणपुर तालुका में 7, द्वारका तालुका पंचायत में 6, भाणवड तालुका पंचायत में 2, खंभाळियाना 16, सलायाना 5, देवभूमि द्वारका जिला में स्थानिक स्वराज चूंटणी ने लईने भाजप कांग्रेस पक्ष में जीत माटे पोतेना उम्मीदवारों ने मैदान उतारीने जीत हासिल करवा माटे चोखा गोठवा माटे दौड़धाम शुरू करी छे। त्यारे द्वारका जिला में आ वखते मुख्य पक्ष भाजप कांग्रेस बाहुबली नेताओं सामे आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों अने चूंटणी जंग में मैदाने उतर्या छे। देवभूमि द्वारका जिला आम आदमी पार्टी प्रमुख कनुभाई गढ़वी एक यादी में जणाव्या प्रमाणे आम आदमी पार्टी स्थानिक स्वराज्य चूंटणी में जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगरपालिका में 54 उम्मीदवारों छे। आपना मैदान में होवाथी बंने पार्टीओ साथे टक्कर थशे। तेमज 13 जुवानपुर सीट में तुषारभाई हाथलिया जेवा हालमां ज कोंग्रेसमांथी छेड़ो फाड़ीने आम आदमी पार्टीमां उमेदवारी नोंधावता कोंग्रेसने मोटुं भंगाण पड्युं। तालुकानी सौथी मोटी रसाकसीवाळी सीट जेमां तुषार हाथलियानुं नाम सांभळता ज आ सीटना लोकोमां जाहेर समर्थन आपी रह्या छे। आ वर्षे भाजप, कोंग्रेस अने पहेली वखत आम आदमी पार्टीना उमेदवारोए द्वारका तालुका पंचायतनी सीटमां पोतानुं फॉर्म भरता तालुकामां राजकीय गरमाવો આવ્યો છે। આટલું જ નહીં, त्रिपक्षीय जंग में विजयी बनवा दरेक पक्षे एडीचोटीनो जोर लगावी रह्यो छे। आ चूंटणी में बधा माटे कटोकटी भर्यो माहोल छे। ब्यूरो रिपोर्ट स्पीड न्यूज 17 द्वारका। अमित भाई। अत्यार जुवानपुर सीट पर आम आदमी तरफ थी मारी उम्मीदवारी में नोंधावी है अने लोकोना प्रश्नों ने वाचा आपवा माटे अने लोकोना एक सेवाक्रिय कार्य माटे कायमने माटे हर हमेशने माटे कल्याणपुर मामलतदार ऑफिसनी सामे अमारुं कार्यालय 365 दिवस माटे खुल्लुं राखवामां आवशे। चाहे हित थाय के पछी हार थाय, हार थशे तो पण लोकोना काम माटे अमरु कार्यालय कायमने माटे खुल्लुं रहेशे अने हूँ थोड़ी गर्वनी लागणी पण अनुभवुं छुं के आम आदमी पार्टी तरफथी ए मने टिकिट आपता अने चोक्कस अमे जंगी बहुमतीथी अमे विजयी थशुं।